कर्नाटक नो जनादेश आवी रह्यो छे। 224 बैठकों माटे कर्नाटक में चूंटणी थई हती अने हाल जे प्रमाणे परिणामों सामे आवी रह्या छे, वलण सामे आवी रह्या छे, जेमां 75 बैठकों पर भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस 170 बैठकों पर आगळ छे, जयरे जेडीएस 27 बैठकों पर आगळ छे, अपक्ष हाल 5 बैठकों पर आगळ चाली रही छे। एटले हाल वलणों में एवुं देखाई रह्युं छे कि कांग्रेस हाफ मार्क पार करता देखाई रही छे, कारण के 224 मांथी जीत माटे 113 बैठकों की जरूर होय छे। आ वलणों छे, वलणों में ऊपर चढ़ाव आवतो रहे छे, परंतु तेम छतां भारतीय जनता पार्टी की हाल की बैठकों अने कांग्रेस की बैठकों वच्चे खासुं एवुं अंतर छे। कर्नाटक विधानसभा की चूंटणी आ परिणाम के जेना पर सौ कोई नजर छे, शुरुआती वलण में भाजप आगळ देखाई रह्यु हतु, परंतु त्यारबाद ते धीमे धीमे पाछळ रह्यु अने कांग्रेस जे शुरुआती वलण में पाछळ हतु ते अत्यारे 100 नो आंकड़ो पार करी चुकी छे। 117 बैठक पर कांग्रेस आगळ छे अने जश्ननो माहौल कांग्रेस में देखाई रह्यो छे, कांग्रेसना कार्यकर्ताओं में उत्साह देखाई रह्यो छे। जो कि कांग्रेस पहलेथी ज जाणे आश्वस्त होय तेवी रीते सवारथी ज कांग्रेस में दिल्ली ऑफिसनी बहार ढोल नगारा साथे त्यां लोको पहुंची गया हता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के रूप में एक प्रतीक के रूप में बनके उभरा है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस मुख्यालय में बड़े दिनों बाद बड़ी संख्या में जो कांग्रेस सपोर्टर्स हैं वो जमा हुए हैं। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश का जब विधानसभा चुनाव था तो उस वक्त भी इस तरह का मजबा कांग्रेस मुख्यालय में नहीं देखने को मिला था, लेकिन आज जब कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी काफ़ी आगे दिखाई दे रही है और कांग्रेस सपोर्टर जो है उसी बजरंग बली का जो ड्रेसअप गेटअप करके यहाँ पर उस जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विपिन अमरोल काके है। अच्छा, आप ये हनुमान जी का ही खास ड्रेस आज के दिन पहन के आए हैं? हनुमान हमेशा उस व्यक्ति के साथ है, उस गरीब के साथ है, उस पीड़ित व्यक्ति के साथ है जो उसका सिमरण करता है। आज कांग्रेस पार्टी ने, आज राहुल गांधी ने जिस तरीके से गरीब की बात रखी, महंगाई की बात रखी, रोजगार की बात रखी, बेरोजगारी की बात लगी, बजरंगबली ने उस चीज़ को महसूस किया, भाजपा ने बजरंगबली जी को वहाँ पर लाए, लेकिन कर्नाटक की जनता ने देखा जो गरीब के बीच में रहता है, गरीब के दुख सुख की बात करता है, आज कर्नाटक की जनता ने उसको आशीर्वाद दिया, बजरंगबली ने आशीर्वाद दिया और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद अब कांग्रेस के साथ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो आरोप लगाया गया कि आप लोगों ने बजरंगबली का अपमान किया था। बजरंगबली किसने, बेरोजगारी की बात किसने करी, रोजगार की बात किसने करी, भ्रष्टाचार की बात किसने करी, ईडी और सीबीआई को किसने दबाने की कोशिश करी? बजरंगबली हर वो देवता देख रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों पे रहती है, चाहे वो सत्ता में रहे ना न रहे, लेकिन वो जनता के हर उस गरीब व्यक्ति की बात को सुनेगी और पक्ष में रहते हुए बात करेगी। कर्नाटक की बात जनता ने उस बात को महसूस किया, भारत जोड़ो यात्रा से आज जनता के बीच में मैसेज गया, आज उसी का नीचे है कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, आज के दिन आप बजरंग बली का ही ड्रेस पहन के क्यों आए, क्या मैसेज देने के? इसलिए जिस तरीके से भाजपा ने महंगाई की बात नहीं करी, बेरोजगारी की बात नहीं करी और जो स्थानीय मुद्दे उनकी बात नहीं करी, बजरंगबली ने उनकी बात को नकारा और कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दे रखे थे, गरीब जनता की बात को रखा था उसको करा, बजरंगबली उसके साथ हैं, जो गरीब की बात सुनेगा उसके दुख सुख को बांटेगा वही। अच्छा, इस जीत का श्रेय किसको दे रहे हैं आप? ये जीत का श्रेय उस हर कांग्रेस कार्यकर्ता को और राहुल गांधी जी के, जब ईडी और सीबीआई डरा रही थी, ईडी और सीबीआई डरा रही थी, ईडी और सीबीआई डरा रही थी, लेकिन राहुल गांधी जनता के बीच में थे और जनता की बात को सुन रहे थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो कांग्रेस वर्कर्स हैं उनमें खासा उत्साह दिखाई दे रहा है और ढोल नगाड़े पहली बार बहुत लंबे समय बाद कांग्रेस मुख्यालय में बजते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जिधर नजर जाएगी आज बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी सपोर्टर्स हैं वो धीरे धीरे कांग्रेस मुख्यालय में जमा होना शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश का जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त भी कांग्रेस मुख्यालय में जश्न देखने को नहीं मिला था। लंबे समय तक कांग्रेस मुख्यालय अमूमन हर विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में सूना दिखाई देता था, लेकिन आज कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस को उम्मीद जगी है कि कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा चुनाव को जीत सकती है, तो कांग्रेस मुख्यालय में एक जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि जितने भी स्पोक्स पर्सन मीडिया पर्सन से बात कर रहे हैं उनके चेहरे पे भी काफ़ी आत्मविश्वास है और साथ ही साथ दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होगा या राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होगा, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस की जीत होगी उसका सीधा असर देखने को मिलेगा। दिल्ली से कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज। तो कर्नाटकना परिणामों साथे कर्नाटकमां कांग्रेसना कार्यकर्ताओ, दिल्लीमां कांग्रेसना कार्यकर्ताओमां पण उत्साहनो संचार थई रह्यो छे।
અને જેવી રીતે મે દ્રશ્યો બતાવ્યા ઢોલ નગારા સાથે ઉજવણી થવાની શરૂ થઈ ગઈ છે। 116 બેઠકો પર કોંગ્રેસ અત્યારે જ્યારે આગળ ચાલી રહ્યું છે, 114 બેઠક પર અત્યારે આગળ ચાલી રહ્યું છે। આ વલણોમાં ભાજપ 78 બેઠક પર અને જેડીએસ 27 બેઠક પર આગળ ચાલી રહ્યું છે, પરંતુ આ સાથે જ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ અને નેતાઓમાં ઉત્સાહ છે। રાહુલ ગાંધી દ્વારા પણ કોંગ્રેસ દ્વારા ઓફિશિયલી કોંગ્રેસ દ્વારા જે ટ્વિટર પર વિડીયો મૂકવામાં આવ્યો હતો, જેમાં રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો યાત્રાનો વિડીયો મૂકવામાં આવ્યો અને તેમાં એવું લખવામાં આવ્યું કે આઈ એમ ઇનવિન્સિબલ, આઈ એમ અનસ્ટોપેબલ, ટુડે આઈ એમ કોન્ફિડન્ટ। એટલે આ એક દેખાઈ રહ્યું છે કે કોંગ્રેસમાં અત્યારે કેટલો ઉત્સાહ છે, કારણ કે હિમાચલ પ્રદેશ બાદ આ ચૂંટણી પર સૌ કોઈની નજર હતી કર્ણાટક વિધાનસભાની ચૂંટણી પર, કારણ કે કર્ણાટકમાં ચૂંટણી જીતવી એ કોંગ્રેસના અસ્તિત્વ માટે પણ એટલું જરૂરી હતું। હવે મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, રાજસ્થાનમાં આગળ જ્યારે ચૂંટણીઓ આવી રહી છે ત્યારે કર્ણાટક પર સૌ કોઈની નજર હતી, સૌ કોઈએ એડી ચોટીનું જોર લગાવ્યું હતું। તો કર્ણાટક એક એવું રાજ્ય છે દક્ષિણ ભારતનું કે જે ગેટવે માનવામાં આવે છે ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે, અને એકમાત્ર રાજ્ય એવું દક્ષિણ ભારતમાં કે જ્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટી અત્યાર સુધી સત્તા મેળવવામાં, સત્તા હાંસલ કરવામાં સફળ થઈ છે, પરંતુ અત્યાર સુધી કર્ણાટકનો ઇતિહાસ રહ્યો છે, છેલ્લા 37-38 વર્ષથી કોઈ પણ સત્તા પક્ષ બીજી વખત પુનરાવર્તન નથી કરી શક્યો એ જીતનું, અને ફરી એક વખત એ ઇતિહાસ, એ પરંપરા, એ રિવાજ જાણે કે અહીં દેખાતો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। આ વખતે વલણમાં કોંગ્રેસને સ્પષ્ટ બહુમતી મળી રહી છે અને જે રીતે એક્ઝિટ પોલ સામે આવ્યા હતા તેમાં પણ દેખાડાતું હતું, જો કે અહીં એક મોટો ફરક એ પણ છે કે એક્ઝિટ પોલમાં, મોટાભાગના એક્ઝિટ પોલમાં, ખાસ કરીને જેડીએસ એવું કહેતું હતું, તેને લગભગ આ વખતે કિંગ મેકરની ભૂમિકા ભજવા ન પણ મળે એવું ચિત્ર પણ દેખાઈ રહ્યું છે, કારણ કે 25 બેઠકો પર અત્યારે આગળ ચાલી રહી છે, એટલે જો તે 40 બેઠકોની આસપાસ જીત હાંસલ કરી શકે તો એ કિંગ મેકરની ભૂમિકા ભજવી શકે, નહીતર તેની ભૂમિકા પર સવાલ રહેશે। બડે લંબે સમય બાદ કોંગ્રેસ મુખ્યાલય મેં જશ્ન કા માહોલ દેખને કો મિલ રહા હૈ। હમારે સાથ બાતચીત કરને કે લિયે કોંગ્રેસ કે પ્રવક્તા આલોક શર્મા જી હૈ। હિમાચલ કે વિધાનસભા ચુનાવ મેં ભી આપ લોગો કો જીત હુઈ થી, લેકિન જિસ તરહ કા જશ્ન, ઇસ તરહ કા મજમા નહીં દેખને કો મિલા થા, અબ કર્ણાટક મેં દેખને કો મિલ રહા હૈ, ક્યા ઉમ્મીદ હૈ આપકો? દેખિયે, મુજે લગતા હૈ સબસે પહેલે તો હમ કર્ણાટક કી જનતા કો સર ઝુકા કર નમન કરતે હૈ કે આપને હમારે ઉપર ભરોસા કિયા હૈ। दूसरा, जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिनकी बहुत मेहनत थी, बहुत लंबे समय के बाद सफल होती नज़र आ रही है, और एक झूठ का पुलिंदा और जो नकली विकास का गुब्बारा था, मुझे ऐसा लगता है वो फटता हुआ नज़र आ रहा है। करना पुनः हम कर्नाटक की जनता को सर झुकाकर नमन करते हैं। अच्छा, कौन से ऐसे मुद्दे थे जिसकी वजह से कर्नाटक में कांग्रेस को लोगों ने पसंद किया? देखिए, दो चीज़ें वहाँ पर मुख्य रही। एक तो ये कि जो 40% की जो कमीशन की सरकार थी, हम ये चीज़ जनता तक पहुंचा पाए और जनता ने माना कि हाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जो हमारी 5 गारंटी थी, उन 5 गारंटी के ऊपर कांग्रेस की जनता ने भरोसा किया। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ बताइए कि अब आने वाले समय में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव है, लेकिन राजस्थान में आपकी पार्टी में खुद अंतर्कलह देखने को मिल रहा है, तो क्या इस जीत का वहाँ पर कोई असर पड़ सकता है या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कोई अंतर्कलह नहीं है, लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अपने विचार रखने का अधिकार है, हम विचार रखने के तरीके पर प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में लोकतंत्र है और पार्टी जो भी चीज़ें वहां पर घटनाक्रम है उस पर पैनी नज़र बनाए हुए है। लास्ट सवाल, आपको क्या उम्मीद है कि कांग्रेस अकेले दम पे वहां सरकार बनाने जा रही है या जेडीएस का सपोर्ट भी आप ले सकते हैं? मुझे लगता है कर्नाटक की जनता ने पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद दिया है और वही फलीभूत होगा। अगर नहीं होता तो क्या जेडीएस से बात होगी? वो बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, 2 घंटे में मीडिया के साथ ही हमें सब बता देंगे, संदेश न्यूज तो सबसे आगे रहता है। चलिए, देख रहे हैं आप आलोक शर्मा को कितने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, बहुत लंबे समय बाद कांग्रेस के प्रवक्ताओं में इस तरह का कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पूरे विधानसभा चुनाव के कैंपेन में जो मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी रहा, उस मुद्दे के बारे में अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि कई सारे जो यहाँ पे सपोर्टर्स हैं वो हनुमान जी यानी बजरंग बली का ड्रेस पहन के आए हुए हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बजरंग बली ने उनका साथ दिया है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में। तो एक तरह से बड़े लंबे समय बाद कांग्रेस मुख्यालय में इस तरह का मजमा और इस तरह का जश्न देखने को मिल रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी जब कांग्रेस जीती थी तो उस आत्मविश्वास में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो नहीं दिखाई दिए थे और इस तरह का मजमा भी वहाँ पर नहीं दिखाई दिया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस मुख्यालय में ढोल नगाड़े बज रहे हैं और खुद बजरंग बली का
पूरा ड्रेसअप मेकअप करके लोग आए हुए हैं। बड़ी संख्या में जिधर भी आपकी नज़र जाएगी लोग जो है कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं कांग्रेस मुख्यालय में जमा हुए हैं। तो ये नज़ारा है कांग्रेस मुख्यालय में, बड़े दिनों बाद देखने को मिल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भी हम लोग गए थे तो प्रवक्ता जो थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके चेहरे पे आज वो आत्मविश्वास नहीं था जो अमूमन हर विधानसभा चुनाव के परिणाम में देखने को मिलता है। दिल्ली से कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज़।